हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। वो सीरीज इतना महत्वपूर्ण है, शायद अगर आपको ये ज्ञात होगा, अगर आपको जानकारी होगी, अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट होंगे तो आप सभी इस टॉपिक को अंत तक पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में प्राय 1 से 2 प्रश्न आते हैं, और हम जब प्रश्न आते हैं तो गलती भी कर जाते हैं, लेकिन आज इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपसे उम्मीद करते हैं भविष्य में कभी गलती ना हो। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और प्रयास करिएगा इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब एक रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस आपके पूर्व ज्ञान से ना होकर आने वाले जो भर्ती परीक्षाएँ हैं उन सभी में आपने क्या तैयारी की, कितना बेहतर प्रश्नों का कलेक्शन किया, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब इस क्लास के में जुड़िएगा तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके सफलता के लिए होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर्यावरण से गलती हो जाती है। यह वीडियो निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। जी हाँ, पहला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, उदयगिरी के पत्थर के कांटे गुफाएँ किस राज्य में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और शायद ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बार बार झकझोरते हैं परीक्षा के लिए, तो बताइए जवाब क्या होगा इसका। सभी लोग गलत या सही, क्योंकि मैं इसकी व्याख्या भी बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, यहाँ आपका उड़ीसा में है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। अभी प्रश्न उठता है सभी के मन में, हमारे मन में और आपके मन में, कि उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा ये उदयगिरी एवं खंडगिरी में खारवेल के राजा के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कौन से राजा? खारवेल। एक प्रश्न आपका और बन गया, जो खारवेल के राजा थे, पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। उदयगिरी में स्थित गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा जो है रानी गुफा है। कौन सी गुफा है? रानी गुफा, ये सबसे बड़ी है। ये क्या है? सबसे बड़ी कहाँ की? उदयगिरी की, जो उदयगिरी के पत्थर की जो गुफाएं हैं उनमें सबसे बड़ी जो गुफा है वो रानी गुफा है। हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो रानी गुफा है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। एवं उदयगिरी के साथ साथ और कहाँ? खंडगिरी में। ये यहाँ पे उदयगिरी में भी है और खंडगिरी में। किसने बनवाया था? खारवेल। राजा कौन था वहां का? खारवेल था। राजा कौन था? खारवेल था। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया ना, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, ये आपके ऊपर है। बाकी वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। यहाँ पे मिलान करना है। मैं उम्मीद करता हूँ यह मिलान आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कर पाएंगे। कार्ले गुफा मंदिर कहाँ पर है? ये हीनयान से। ये कहाँ पे? हीनयान से है। हीनयान एक कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु का समुदाय था, इसे एक नाम से और जानते हैं, आप पता है, श्राव कयान। जी हाँ, इसे एक नाम से और जानते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसे हम श्राव कयान के नाम से भी जानते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन है, खंडगिरी उदयगिरी, अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर पढ़ा था। ये किस धर्म से हैं? ये जैन धर्म से संबंधित। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित। क्लियर? अब और आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बाघ गुफा, ये जो बाघ गुफा है, तो जो खंडगिरी में खारवेल के जैन के लिए मठ बनवाए थे, देखिए ये खारवेल ने बनवाया था। किसके लिए? जैन के लिए मठ बनवाया था। बाघ गुफा जो है ये महायान के लिए। कहाँ पे है? महायान। ये किससे है? ये भी बौद्ध धर्म से है। हीनयान भी बौद्ध धर्म से, महायान भी बौद्ध धर्म से, दोनों हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, दूसरी बात आप लोग यहाँ पे जानते रहिएगा, सभी लोग जुड़ो लाइव देख रहे हैं, एक है बादामी गुफा मंदिर। ये बादामी गुफा मंदिर जो है ये शैव धर्म से है, मतलब शैव से संबंधित है। लेकिन शैव मंदिर निर्माण किसने कराया था? चालुक्य पुलकेशिन प्रथम ने। किसने कराया था? चालुक्य के पुलकेशिन। तो ये ऐसे प्रश्न बैंक की सीरीज है जहां से आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अब आप ये बताइएगा इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि
और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया है? जी हाँ, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी से कमेंट करिएगा, अरे हो सके इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। पैसे नहीं कटेंगे लेकिन हाँ लोगों तक जरूर पहुंचेंगे। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बताना शुरू किया, कुछ लोगों ने सही भी बताया है, वो है हर्षवर्धन। कौन है वो? है हर्षवर्धन। आइए और इसके बारे में चीज जानते हैं। क्या क्या चीजें बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हर्ष प्रत्येक वर्ष बौद्ध विद्वानों के वाद विवाद के लिए आमंत्रित करता था और प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाता था? क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट है या किसी के मन में कोई सवाल है या किसी के मन में कोई प्रश्न है तो जल्दी से कमेंट करें। नहीं है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई प्रश्न नहीं है ना आपके मन में? अगर हो तो जरूर कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी। अशोक, कनिष्क आदि के बारे में कोई सवाल आपके मन में? छठवीं आठवीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंदिर निर्माण के लिए संरक्षण प्राप्त हुआ पल्लव और चालुक्य, गुप्त, मौर्य, चोल। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आपके हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। जिनको नहीं आती वो उसको नोट डाउन करते चले, फिर परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। ये होगा पल्लव और चालुक्य। इसके पहले लेक्चर हमने इसे बता दिया था कौन पल्लव और चालुक्य, जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। इनके बारे में और बातें जानते हैं। छठी तथा आठवीं सदी में पल्लव और चालुक्य राजवंश ने मंदिर निर्माण करने को पर्याप्त संरक्षण दिया। ए इसका सही जवाब होगा। ये सब ऑथेंटिक चीजें हैं आपके लिए। चित्रकलाओं पेंटिंग्स में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। छठवीं शताब्दी के बाद, आठवीं शताब्दी के बाद, दसवीं शताब्दी के बाद, 11वीं शताब्दी के बाद, कब? तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद इसे दिए गए प्रश्नों का सभी लोग जवाब दीजिएगा। चित्रकलाओं पेंटिंग्स में बृहद पैमाने पर, जी हाँ, छठवीं शताब्दी के बाद। अभी जस्ट हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, भारत में जो चित्रकला है वो गुप्त काल में चरम पर थी। किस काल में? गुप्त काल में चरम पर था। गुप्त काल का चित्रकला पूर्णत्व आ गया और छठी शताब्दी के बाद लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए राइट आंसर होगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किसका? काकती वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से, गुप्त वंश से, किससे है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद सभी साथी दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बताइए जल्दी कमेंट करके, जो भी इसे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं। चलिए, जो महाबलीपुरम है ये पल्लव वंश है। जी हाँ, इसके पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। जो पल्लव नरेश सिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम एकाश्व रथों का निर्माण करवाया था, कौन सा रथ? एकाश्मक रथ का
रथ का निर्माण कराया था। तमिलनाडु में मद्रास से 40 मील के लगभग दूरी पर यह नगर पल्लव काल में एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, कला का भी केंद्र था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कठोर चट्टानों काट कर बनाए गए। इनमें इन्हें सप्त पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त पगोडा कहते हैं, अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी राइट आंसर होगा। किस राजवंश ने महाबलीपुरम में मंदिर बनवाया था? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है, तो आप जवाब दीजिएगा किस वंश ने, तो पल्लव वंश ने। कहां स्थापना किया था? तमिलनाडु के मद्रास के पास। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अगला सवाल आपके सामने है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? विमान शैली का प्रचलन किनके शासनकाल में हुआ? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये चोल वंश इंपॉर्टेंट है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल शासनकाल में हुआ। विशाल का विमान, शिखर मध्य में स्थित आंगन, प्रवेश द्वार, ये चोल मंदिरों की विशेषता थी। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया बताइए? सही लोग जवाब दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तंजौर का बृहद मंदिर राजा चोल। ये तंजौर को हम तंजावुर नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये इसकी राजधानी थी। तंजौर को हम किस नाम से और जानते हैं? तंजावुर। ये चोलों की राजधानी थी। ये क्या थी? चोलों की राजधानी थी। तंजौर को मंदिरों की नगरी कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर 75 छोटे बड़े मंदिर हैं, और तंजौर चोल शासक राजा द्वारा निर्मित किया। ये लगभग 985 से 1014 तक शासन किया था। बृहद बृहदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर की शिखर लगभग 190 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग है। जब शिवलिंग है मतलब ये मंदिर शिव देवता को समर्पित है। किस देवता को? शिव देवता को। इसे 14 मंजिल है, इसमें एक विशाल शिवलिंग है। नंदी मंदिर के सामने प्रतिष्ठित है, माने इसके सामने नंदी प्रतिष्ठित है। ठीक है, लिखते चलिएगा, आपका एक नोट्स बन जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्या बन जाएगा, एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? आराम से पढ़िए। चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों। चोल शासकों की भाषा क्या थी? आइए देखते हैं। अगर हम चोल शासकों की भाषा की बात करें तो यह तमिल थी। काफी लोगों ने सही बताया, काफी लोगों ने गलत भी किया। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। चोल शासकों के काल में संगम साहित्य की रचना होती। किसकी? संगम साहित्य की। संगम साहित्य की रचना होती। संस्कृत भाषा से ही तमिल की उत्पत्ति हुई, याद रखिएगा। संस्कृत से तमिल की उत्पत्ति हुई है, इस कारण चोल शासकों की भाषा तमिल थी। चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। ये क्या थे? इन्हें हम लिख लीजिएगा तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये प्रश्न और मिल जाएगा, समझ में आया? मैंने चोल शासकों को तमिल साहित्य का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन अगर आप लोग लिखते चलेंगे शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में चलते, खेत में नहीं। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? एलोरा। ये पत्थर काटकर बनाया गया, इसको शैलोत्कीर्ण कहते हैं। कैलाशनाथ मंदिर या कैलाश मंदिर? कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। ये पत्थरों को काट कर बनाया गया था। ये कहां पर है? ये एलोरा महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक किसने करा था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। यह द्रविड़ शैली से निर्मित है। किस शैली से? द्रविड़ शैली। तो कौन सी शैली था? यह द्रविड़ शैली से बना है। कृष्ण प्रथम ने बनाया था महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर। यह क्या है? सरोत्कर्ण है। कैसा मंदिर है यह भी लिख लीजिएगा। माने पत्थर को काटकर, पत्थर को काटकर बनाया गया। इंपॉर्टेंट था आपके लिए। माने एक प्रश्न से कितने प्रश्न आपके बने। एलोरा मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कौन सा, किसका मंदिर है? कैलाशनाथ है, कैलाश मंदिर है। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। कैसा मंदिर है? शैलोत्कीर्ण है या पत्थर का बना है? किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किस वंश के राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था? समझ में आया? माने यहां से हिस्ट्री ज़्यादा सीखने से माने ये रखता है कि वही प्रश्न ही पढ़ लो जो सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा। माने पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जगह हम ऐसे प्रश्नों को ही पढ़ ले जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, बाकी झंझट ही खत्म। क्योंकि मिला जुला कर केवल आपका एक ही मोटो है, सिलेक्शन लेना। तो हम और आप केवल सिलेक्शन को फोकस करेंगे और उसी के लिए हमें अपना बेस्ट देना है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है ये। अभी हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये गुफाओं काटकर बनाई गई हैं। ये विश्व विरासत के रूप में भी हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? शैलोत्कीर्ण मंदिर कहते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन कौन सा है? देखिए, अजंता जो है ये गुप्त काल में बना था। गुप्त काल में। कुतुब मीनार ये सल्तनत काल में बना था। ध्यान से देखते चलिए, लिखते चलिएगा। ठीक है, ताजमहल मुगल काल, खजुराहो राजपूत, राजपूत। अब सबसे प्राचीन है वो गुप्त काल का अजंता। ये इसका सही है। ठीक, क्लियर हुआ? मतलब एक ऐसा प्रश्न जहां से आपके कई प्रश्न तैयार हो गए। ताजमहल किसने बनवाया था? खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? आप लोग इसका भी जवाब अपने मन से देते रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपको अभी से क्लियर करते हुए चलना होगा। क्योंकि एक एक प्रश्न से ही हम अपने सीरीज के अंत तक बनेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अजंता गुफाओं का निर्माण किया था गुप्त काल में? हेलो, कुषाणों के काल में, मौर्य काल में, चालुक्य काल में? बताइए किस काल में। अभी जस्ट ऊपर हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, अभी बात कर ही रहे थे, आपके सामने प्रश्न आ गया। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है,
जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सामान्य से अंतर है गुप्त काल में, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा जस्ट इसका उत्तर था। अब यहां पे ध्यान देंगे कि जो अजंता की जो गुफाएं थी ये कैसे थी, ये बौद्ध धर्म द्वारा थी। ये कैसा था, ये बौद्ध धर्म द्वारा था। ये बौद्ध धर्म से प्रेरित थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें बौद्ध धर्म संबंधित इनकी जातक कथाएं हैं। एक प्रश्न आता है इनमें जातक कथाएं किसमें हैं, का कथाओं का है ना, कथाओं का चित्रण है। ये औरंगाबाद जिले में है, इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। कितने हैं, 29 29 गुफाएं हैं, लेकिन इसमें 6 गुफा बची हैं। इसमें कितनी बची है, अभी 6 बची हैं, 6 शेष हैं। कौन कौन है, जैसे 1 है, 2 है, 9 है, 10, 16, 17, इन 6 गुफाओं में संख्या 16-17 गुप्त कालीन है। 16-17 क्या है, 16-17 ये गुप्त काल की अजंता गुफाएं। इन्हें 1983 से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। विश्व धरोहर, तो इतने ही प्रश्न आप कैसे तैयार हो। ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, जातक कथाओं का चित्रण है, ये 29 गुफाएं हैं, 6 जैसे हैं। अगर यहाँ की बात की जाए कि केवल 6 ही गुफा शेष हैं, जिसमें 1, 2, 9, 10, 16, 17 गुप्तकालीन है, यह 1983 में विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित की गई थी। जातक कथाओं का चित्रण मिलता है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, यह द्वितीय पूर्व से 7वीं शताब्दी तक मिला है। ठीक है, यहाँ से इतने प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे कि जो आपके लिए कहीं ना कहीं से सिलेक्शन का आधार बनेगा। ठीक है, बढ़ा के चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इलर्निंग विद दुर्गेश इसीलिए बेस्ट है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में चलती है, जहाँ पे फिर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अजंता गुफाएं बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं। मुद्रा में भगवान शिव, भगवान बुद्ध, उनका जीवन वृत्तन, महावीर, उपयुक्त सभी। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना पढ़ने के बाद अगर आपका गलत हो जाए पढ़ाना मेरा बेकार है। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये भगवान बुद्ध के उनके जीवन वृत्त को दिखाती है। यहाँ पे जातक कथाएं हैं, बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा बी, राइट आंसर। क्योंकि अभी ही जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में, इसके ऊपर के प्रश्नों में अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अजंता की चित्रकला में क्या दर्शाया गया, पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, बताइए। इसमें से कोई नहीं, क्यों, जातक कथाएं। पंचतंत्र किसमें है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अजंता की चित्रकला में क्या दर्शाया गया है, जातक, बौद्ध धर्म संबंधित है। ठीक है, जातक कथाओं का चित्रण है इसमें। एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनाए गए
प्रसिद्ध मंदिर किसके हैं, एलिफेंटा में। जब आप सभी लोग दीजिएगा, चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, दोनों पर लाइव चल रहा है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रकूट। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? राष्ट्रकूट होगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या है, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति शिव के मुखमंडल की मूर्ति है। क्या है? मुखमंडल की मूर्ति। यहां पर शिव और पार्वती की मूर्ति है और राष्ट्रकूटों द्वारा चट्टानों को काट कर बनाई है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, ध्यान से देखिएगा, इसको मिलान करना है, जो आपके परीक्षा के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। नागार्जुन का संबंध किससे है? नागार्जुन कनिष्क के समय प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार था। क्या था कनिष्क के समय? कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का एक आचार था शंकराचार्य। उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। जी हाँ, और बौद्ध धर्म के विस्तार में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ था ज्ञान की मुक्ति का प्रथम मार्ग शून्यवाद। सोचिए कितने प्रश्न आपके साथ साथ तैयार हो रहे हैं। अंडाल, ये महिला संत शंकराचार्य अत्यद अद्वैतवाद के समर्थक थे। इन्होंने भक्त से ज्यादा ज्ञान पर बल दिया और ज्ञान को ही मुक्ति का मार्ग बताया। लेकिन अंडाल दक्षिण भारत की महिला अलावर संत थी। कहां की थी? ये दक्षिण भारत की थी। ये दक्षिण भारत की एक अलावर संत थी। रामानुज वेद की रीतियों के भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास किया। रामानुजन ने ज्ञान प्राप्ति का आधार भक्ति को माना था। क्या माना था? भक्ति को माना था। ठीक, क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई डाउट हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, एक नहीं 1000 बार पूछो, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। अगर ऐसा कोई सीरीज पढ़ा दे, ऐसे हिस्ट्री की सीरीज, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं और रेस जीतने के लिए एक दिन से नहीं, लगातार क्रमिक मेहनत के बाद से ही आप विजेता होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं परीक्षा के 10 दिन पढ़कर सिलेक्शन ले लें, तो यह सपनों का खेल नहीं है, यह वास्तविक जीवन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभी हम लोगों ने इस पर बात किया, तो यह थे श्री शंकराचार्य जी थे। इन्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना, जबकि रामानुजन मोक्ष को माना था। इन्होंने किसको माना था? मोक्ष को। इन्होंने मोक्ष को माना था, मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए भक्ति। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद से था, ज्ञान को आधार माना था। किसको? ज्ञान को आधार माना, मुक्ति पाने के लिए ज्ञान को आधार माना था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। नैनार किससे संबंधित है बताइए? जल्दी से बताइए, नैनार किससे संबंधित है? तो जो नैनार है यह शिव शैव संप्रदाय से,
दक्षिण भारत में शिव सह संप्रदाय भक्तों को नैनार कहते हैं। नैनार भक्तों ने भगवान शिव के सम्मान में सुंदर भजनों की रचना की। इनका समय 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास था। इनके प्रमुख संत अगर देखा जाए, इनके प्रमुख जो संत थे कौन कौन थे? शबंदर थे, ठीक, अपर थे एवं सुंदर मूर्ति। इनके प्रमुख संत थे, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रश्न आपका गलत टाइप हो गया है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये भुवनेश्वर में, कहां पर है ये? भुवनेश्वर में। कहां पर है ये भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में। कहां पर है ये? आपका उड़ीसा में, ठीक है। और ये केसरी वंश के राजा अयाति केसरी ने कराया था। किसने? अयाति केसरी। किस वंश से? केसरी वंश से। केसरी वंश से थे। यह पूर्ण विकसित आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। गंग वंश के राजा राजा अनंत वर्मन चोलवंग देव जगन्नाथ मंदिर, जैसे अगर यहाँ पे आ जाए गंग वंश, तो गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोलवंग जगन्नाथपुरी, इन्होंने क्या किया था? लिख लीजिएगा जगन्नाथपुरी, इंपॉर्टेंट है। राजा का नाम क्या था कोई बताएगा? अनंत वर्मन। अनंत वर्मन। नरसिंह देव प्रथम। किसका मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। फिर चंदेलो द्वारा खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर तथा वास्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा दिलवाड़ा। ये कहां पर है? माउंट आबू। किससे है? जैन धर्म से। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर चारों गलत है, ठीक है। यहां पर इसका उत्तर कोई और होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होता भुवनेश्वर उड़ीसा केसरी वंश। ये कौन सा था? ये केसरी वंश। केसरी वंश कौन था? ये आती केसरी। कहां पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में, ठीक है। तो मैंने चारों विकल्प बता दिए, थोड़ी सी टाइपिंग गलती हो गई है यहाँ पे, चारों विकल्प आपका गलत है, लेकिन हमने चारों विकल्प के अलावा इस प्रश्न की व्याख्या हल कर दी। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके मन में न कोई प्रश्न होगा न कोई डाउट होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या सुमेलित है? माने तीन नहीं है और एक है। यह है एलोरा का साका, गलत। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, गलत। मीनाक्षी मंदिर पलोगल, खजुराहो चंदेल, ये सही है। ये कहां पर? यह मुंबई में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर, ये नागर शैली में। किस शैली में बना है? नागर शैली में। नागर शैली में बना है। किसने बनवाया था? नरेश धंग ने बनवाया था। किसने? धंग ने।
राजा कौन था? धंग, धंग ने बनवाया था। ठीक है, ठीक। अगला, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बने? चंदे। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की गुफाएं कहां पर? मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश, छतरपुर जिले में। ये गुफाएं के लिए नहीं, यहां पे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, देखिए यहां पे क्या क्या है, शैव, जैन, वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश, छतरपुर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी, विशाखापट्टनम, मामल्लपुरम। तो ये मामल्लपुरम में है। कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन। कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्हें राज सिंह के नाम से भी जानते हैं। अट्ठाईस एनो डोमिनी तथा इन्होंने मामल्लपुरम के अलावा वह महाबलीपुरम, ये दोनों बनवाया था। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी राइट आंसर। ये परीक्षा वाले प्रश्न है, मन अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया तो हूबहू आप परीक्षा में जाइए हाल में और ऐसे प्रश्नों का जवाब देकर आइए। मन अगर आपने सीरीज पढ़ लिया तो दुनिया की कोई प्रैक्टिस सेट हल करेंगे आप ये पाएंगे कि आप लोग हूबहू ये प्रश्न आप पढ़ने को मिल रहा है आपको। खजुराहो की गुफाएं कहाँ? फिर घुमा के प्रश्न आ गया। प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहां पर है बताइए, इसका जवाब नहीं देंगे, बहुत बार हमने बता दिया। विशाखा तट मंदिर कहां पर है? गुप्तेश्वर की मूर्ति कहां पर है? कर्नाटक में है। गुप्तेश्वर की मूर्ति कहां पर है? कर्नाटक में है। नटराज की मूर्ति कहां पर है? चोल वंश ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय अब पाकिस्तान में है। कोणार्क मंदिर कब बना? 1225 में लगभग बना। विख्यात तट मंदिर कहां पर है? मामल्लपुरम। गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है? हाँ रिपीट था, कोई बात नहीं, रिपीट क्वेश्चन है तो टाइप होते समय आ गया। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? देखिए गोमतेश्वर की मंदिर कर्नाटक राज्य में, इसका निर्माण किसने कराया था? चामुंडराय ने। चामुंडराय ने निर्माण कराया था। नटराज नित्य के देवता की मूर्ति है। देखिए अगर नटराज की बात की जाए कि चोल वंश, किस वंश की? चोल वंश। स्थापत्य के साथ साथ तक्षण कला के क्षेत्र में चोल कलाकारों ने सफलता ली थी। पत्थर तथा धातु की बहुसंघ मूर्तियों का निर्माण किया। चोलवंश अधिकांश शासक उत्साही से थे। इस काल में शैव मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति नटराज की थी जो बहुत अधिक संख्या में मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। ये मदुरई में। कहां पर है? मदुरई में। मदुरई कहां पर? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में। इस मंदिर में सुंदेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मान मंदिर के नाम से जानते हैं, इसे दो नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। एक तो
क्योंकि परीक्षा में अगर ऐसा कहेंगे सर आपने कभी पढ़ाई नहीं था, मीनाक्षी अम्मान मंदिर या सुंदेश्वर मंदिर, मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। ये कहां पर है? ये मदुरई में है। मदुरई कहां पे? तमिलनाडु में है। मुझे नहीं लगता अब यहां से प्रश्न आपका आएगा और गलत हो जाएगा। इसे मंदिरों का शहर कहते हैं, मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है। देखिए यहां पे तहसीला विश्वविद्यालय कहां पर है, जरा जवाब दीजिएगा कि तहसीला विश्वविद्यालय कहां पर है, जल्दी से कमेंट करें बताइए, जल्दी बताइए। बताइए लीजिए, जल्दी बताइए। देखिए आप लोगों ने जो जवाब दिया है वो है इनमें से कोई नहीं। क्यों? तरसिला ये रावलपिंडी में कहां पर है? ये पाकिस्तान में। प्राचीन काल में गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला की ख्याति बौद्धिक केंद्र के रूप में थी। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथ चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से मिलती है। तक्षशिला को ज्ञान और विद्या का केंद्र बने रहने का सौभाग्य मिला है। ठीक है, इसलिए ठीक है। यहां पे कोणार्क मंदिर निर्माण कब हुआ था? 1245 एनो डोमिनी में। माने इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोई डाउट किसी को? बताइए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे भैया आइए इसके बारे में ना, चलिए व्याख्या की नहीं हुआ तो आप लोगों ने कहा सर चलिए मैं व्याख्या ही कर दे रहा हूँ। देखिए कोणार्क का जो मंदिर था ये कहाँ पर है, पहला प्रश्न आएगा। ये 1245 में बना था, एक प्रश्न का उत्तर हो गया। ये उड़ीसा में कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। ये किस देवता को है? सूर्य देवता को समर्पित है। इसे काले पैगोंडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काले पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? गंग वंश के शासक। गंग वंश के शासक क्या नाम था? नरसिंह देव प्रथम। प्रथम इसका निर्माण कराया था। इस मंदिर के आधार पर 12 पहिए चक्र निर्मित है। 12 चक्र हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, कितनी है? 12 चक्र हैं। 12 राशि के प्रतीक हैं। सूर्य के 7 घोड़े इनके किरणों के रंगों के प्रतीक। क्या है? सूर्य के 7 घोड़े भी हैं। इनके रंगों के प्रतीक हैं। एडी का एनोडोमिनी होता है। एडी का मतलब किसी ने पूछा है, एडी एनोडोमिनी से हम ईस्वी कहते हैं। इसे हम ईस्वी कहते हैं, जैसे 2021 एडी। ठीक है, ये एडी एनोडोमिनी। क्लियर? कितने प्रश्न आपके तैयार है? इसे उड़ीसा में है, सूर्य देवता को समर्पित है, किसे काले पैगोडा भी कहते हैं, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने, या सूर्य के 7 घोड़े हैं। ठीक, ये 12 राशियों का प्रतीक है, उनके किरणों के रंगों के प्रतीक हैं। ऐसी सीरीज अगर YouTube पर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बेहतर लगे आप इसे अपने Facebook पर, अपने WhatsApp पर, अपने WhatsApp ग्रुप पर सभी को शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास नोट्स आपको इलेनी दुर्गेश पर मिलेगा, क्योंकि मेरी क्लास निःशुल्क देश हित में राष्ट्रीय नाप सभी के लिए उपलब्ध होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा में मिलते हैं। इसके बारे में जानते हैं। ये भारतीय
विश्वविद्यालय का अवशेष नालंदा में है और ये कहाँ पे, पटना में है। पटना कहाँ में है, बिहार। अभी ऊपर इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, तक्षशिला नहीं, तक्षशिला बाहर है, अभी बताया तक्षशिला पाकिस्तान में। नालंदा विश्वविद्यालय, इसे बौद्ध विहार कहते हैं, नालंदा बौद्ध विहार कहते हैं इसे हम, नालंदा बौद्ध विहार के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, किसने किया था, कुमार गुप्त, ये क्या था, शासक ने किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय ताप, ये पाल वंश के शासक नहीं, विक्रमशिला, विक्रमशिला किसने किया था, पाल वंश के, धर्मपाल, पाल। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ए राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनाया था, बोध गया कहां पे, बिहार में, बोध गया कहां पर है, बिहार में। तो यहां पर देवपाल, धर्मपाल, अजातशत्रु, अशोक, जी हाँ, अशोक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर किसने बनाया था, अशोक, ये कौन सा था, मौर्य शासक या मौर्य वंश, ये मौर्य वंश से संबंधित था। किससे, यहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, भगवान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए यार। अंकोर वाट कहां स्थित है, अंकोर वाट कहां स्थित है, वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कंबोडिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, यहां विष्णु मंदिर है, कौन सा मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। किसने बनवाया था, सूर्य वर्मा द्वितीय ने, किसने बनवाया था, सूर्य वर्मा द्वितीय ने, किस वंश के थे, कंबुज वंश, कंबुज वंश के थे। यह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य का एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, ठीक है। अंकोर वाट सबसे बड़ी विष्णु की मंदिर है ये, ठीक। कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनुप जी भी लगे हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, खजुराहो। देखिए मैं इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे लोग गलत करेंगे, मुझे पता था लोग गलत करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने सही भी बताया है। एक लोगों का जवाब सही है, कन्हेरी, कन्हेरी एक विशाल समूह है, ये अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं को निवास रहा। कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, यहां पे बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा है। यहां पर बुद्ध की दो भीमकाय प्रतिमाएं हैं, बोधिसत्व व अवलोकितेश्वर, एक खड़ी प्रतिमा है, जी हाँ,
बुद्ध की दो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला देखा जाए तो बोधिसत्व है, ठीक है जाने दीजिए, उसको आप लोग आगे लिखिएगा। यहाँ पे दो भीमकाय प्रतिमाएं हैं जहां पर बोधिसत्व और लेकिनेश्वर की एक खड़ी प्रतिमा है, एक सोए हुए और एक खड़ी थी। रट लीजिएगा, रट लीजिए आप सभी लोग। दिलवाड़ा जैन मंदिर निर्माण किसने करा, ऊपर मैंने बताया अभी, थोड़ा साफ नहीं है ये चालुक्यों ने कराया। किसने कराया? चालुक्यों ने करवाया था। गुजरात में अहिल्यावाड़ तथा राजस्थान के आबू पर्वत पर अनेक भव्य मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया। आबू पर्वत पर दो प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर है जिन्हें जलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं। पहले में आदिनाथ की मूर्ति है, दूसरे में तेज को तेजपाल कहा जाता है। पहले मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने करवाया था। जी हाँ, ये चालुक्यों ने कहाँ कराया था? गुजरात के अहिल्यावाड़ तथा राजस्थान के आबू पर्वत पर अनेक भव्य मंदिर बनवाए थे। लेकिन यहाँ पर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, यहाँ पर दो मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? दो मंदिर हैं, ऐसे लिखते हैं, दिलवाड़ा दिलवाड़ा का दो मंदिर है। पहला अगर देखेंगे तो आदिनाथ की मूर्ति है, आदिनाथ। दूसरे में किसकी है? तेजपाल। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि पहले मंदिर का निर्माण भीम देव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने कराया था। किसने कराया था? बिमल शाह ने कराया था, ठीक है, एकदम रट लीजिएगा। ईसा की तीसरी सदी में जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? अफ्रीका व्यापार, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार, दक्षिण पूर्वी, मध्य यूरोप, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार, ठीक है। तिरुपति मंदिर कहां पे? ये परीक्षा वाले प्रश्न है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ऐसे प्रश्न आपकी हूबहू परीक्षा में आएंगे। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके इल अनिबित दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इल अनिबित दुर्गेश है। तिरुपति मंदिर अवस्थित है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ये पहाड़ियों के झुंड के शिखर पर है। ये दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य का अद्भुत नमूना माना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे झूल झील है, सुंदर बाग है, ये पर्यटक स्थल भी है एक प्रकार का, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से खत्म करिए, क्लास आपकी बहुत बड़ी होती चली जा रही है। डेली क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहेगा इलेनी भी दुर्गेश पर, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? अरिकमेंडू, कावेरीपट्टनम, पोहार, मदुरै। तो मदुरै था। ये एक एक करके ध्यान दीजिएगा, ये जो मदुरा, ये पांडव की राजधानी थी, क्या थी? पांडव की राजधानी थी। प्रथम तृतीय संगम मदुरै में ही हुए थे। मदुरै संगम युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा और ये चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। ये क्या था? चोलो चोलो का प्रमुख बंदरगाह क्या था? कावेरी पट्टनम, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापना की थी? ऊपर हम लोगों से बात किया था, कुमारगुप्त, देवपाल, महीपाल, धर्मपाल, मैंने ऊपर बताया है।
देखिए धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश ने, किसने? पाल वंश, धर्मपाल ने। यहां बहुत धर्म के दर्शन अतिरिक्त न्याय तत्व ज्ञान व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती है। ये बौद्ध धर्म के महायान शासक का प्रमुख केंद्र था, ये महायान शासक का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मूर्तिकला, ठीक है, देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट से जुड़े आप सभी साथी जो लोग भी देख रहे हैं वे लोग भी इलर्निंग दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं घर बैठे संपूर्ण तैयारी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार ये जौनपुर जनपद के सिराजहन से आपके लिए निःशुल्क लाइव चलती है देश हित में राष्ट्र हित में। मूर्तिकला का गांधार भारतीय ग्रीक शैलियों का है, भारतीय पर्शियन शैली का है, शुद्ध भारतीय है जी नहीं, दक्षिणपुरी से जी नहीं, यहाँ पर है भारतीय एवं ग्रीक शैली का। इस प्रश्न का सही जवाब मूर्तिकला गांधार स्कूल, यह ग्रीक शैली और भारतीय शैली का सम्मिश्रण है। इसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया, लेकिन अगर मूल रूप से शुद्ध भारतीय की बात की जाए ये मथुरा कला है। ये क्या है? मथुरा। पहली मूर्ति इस शैली पर जो पहली मूर्ति बनी वो किसकी थी? बुद्ध की थी। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज के लिए इतना है। स्पीड बढ़ाना माने नहीं रखता, माने सिलेक्शन रखता है। आप प्रश्न की जितनी बढ़िया व्याख्या पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचेंगे। प्रश्न का उत्तर बताना आसान है लेकिन हमें उसकी व्याख्या को जानना सबसे बड़ी। चलिए एक एक करके इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश है। चलते हैं, बाय बाय। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, क्योंकि भाई सारा काम हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, उस जिम्मेदारी आपकी भी तो होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब रेस के घोड़े हैं।